कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। भारत में कितने दिनों के हिंदू हैं? ज्यादा से ज्यादा 30 साल हिंदू। इसके बाद हिंदुओं का नामो निशान भी यहाँ नहीं मिलने वाला है। हिंदुओं के नेता धरती के सबसे बड़े गद्दार हैं, उन्होंने हिंदू कौम को बर्बाद कर दिया, चाहे कोई पार्टी हो। हिंदू कौम को अपना शत्रु ना समझें, हम सिखों के भाई हैं, उनके दुश्मन नहीं हैं। मैं यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की बलिदान की धरती से खड़ा हुआ हूँ। सिख और सनातनी अलग नहीं हो सकते। देखिए, मुझे मेरे छोटे भाई हैं तरुण जैन बाबा, उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया था। मैं संदेश लेकर आया हूँ कि ये दुनिया की सबसे पवित्र भूमि है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहिबजादों ने अपना बलिदान दिया। और यहाँ से हमेशा न्याय और धर्म की बात होनी चाहिए। जो सिख, निर्दोष सिख जेलों में बंद हैं और उनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनकी रिहाई के लिए आंदोलन चल रहा है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और मैं एक किसी भी सिख ग्रंथ की बेअदबी, किसी भी खालसा के ग्रंथ की बेअदबी, ये अक्षम्य अपराध होनी चाहिए। कभी भी खालसा के किसी भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, और जो इस काम को करता है उसे अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, देखिए बच्चे हैं, नहीं वो कोई विरोध नहीं किया, वो मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और परिवार में ये होता रहता, मैं आता रहूंगा। ये बच्चे हैं, अभी वो मेरी बात नहीं समझे, मेरी उम्र है, मैं बुढ़ापे में हूँ, और ये नौजवान अभी बचपन में हैं, तो बात करते रहेंगे, हम बुजुर्गों से बात करते रहेंगे। देखिए, मेरा ये स्पष्ट संदेश है, मैं यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की बलिदान की धरती से खड़ा हुआ हूँ। सिख और सनातनी अलग नहीं हो सकते। सिख और सनातनियों को अलग करने के षड्यंत्रों को विफल करना चाहिए। और मैं सिख कौम से अनुरोध करना चाहता हूं, कायर नेताओं के कारण हिंदू कौम को अपना शत्रु ना समझें। हम सिखों के भाई हैं, उनके दुश्मन नहीं हैं। सारी गलती नेताओं की गलती, नेताओं ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। हिंदुओं की कौम, अब भारत में कितने दिनों के हिंदू हैं? ज्यादा से ज्यादा 30 साल हिंदू। इसके बाद हिंदुओं का नामो निशान भी यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो मैं तो सिखों से कहना चाहता हूँ, सिख पंजाब में रहें, पूरे हिंदुस्तान में रहें, पूरी दुनिया में रहें और खुशहाल रहें। वो गलती ना करें जो हिंदुओं ने की। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੇਖਿਏ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ, 2029 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਿਏ, ये कहना कि सारे धर्म ग्रंथ एक जैसे हैं, ये बिल्कुल अज्ञान की बात है। धर्म ग्रंथ वो भी हैं जो लोगों ने अपना खून न्याय के लिए बहाकर धर्म ग्रंथ लिखे, और वे भी धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने दुनिया के कत्ल करने का आदेश दे रखा है। सारे धर्म ग्रंथ एक जैसे नहीं माने जा सकते। गिरी जी, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे के हिंदू धर्म कश्मीरी पंडितों को बचाया था, फिर ये गल तुसी किवें कह सकदे कि हुण हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? देखिए, इसका कारण समझिए। सिख गुरु तेग बहादुर जी के रास्ते को छोड़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन आज जो लोग बढ़ रहे हैं वो गुरु तेग बहादुर, ये कौम खड़ी करी गई थी मानवता और धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन अब सिख और सनातनी भिड़ गए हैं, तो दोनों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। फिर राजनीतिक तुहानू लगता वर्तना चाहुंदा बाबा सिख नू होवे जां हिंदू नू होवे, राजनीति वर्त रही है सभी? देखिए, मैं सिखों की नहीं कह सकता, हिंदुओं के नेता हिंदुओं, मैं सिखों के बारे में नहीं कह सकता, सिख अपने नेताओं के बारे में देखें, लेकिन हिंदुओं के नेता धरती के सबसे बड़े गद्दार हैं, उन्होंने हिंदू कौम को बर्बाद कर दिया, चाहे कोई पार्टी हो। मेरा तरुण जैन बाबा भाई है मेरा छोटा, उसने मुझे बुलाया, जहां वो खड़ा हुआ है मैं वहां खड़ा हुआ हूं, जो कहेगा करूंगा।